दोस्तों बात है सन 16 सितंबर 1583 की। विजयदशमी का दिन था। महाराणा प्रताप ने अपनी नई सेना संगठित कर समस्त सैनिकों के साथ मेवाड़ को पुनः स्वतंत्र कराने का संकल्प लिया। प्रसिद्ध संत योगी रूपनाथ व इष्ट माता चामुंडा का पावन आशीर्वाद लेकर द्वैर युद्ध प्रारंभ हुआ। महाराणा प्रताप ने सेना को दो हिस्सों में विभाजित कर युद्ध का बिगुल फूंक दिया। एक टुकड़ी का नेतृत्व स्वयं महाराणा के हाथ में था तथा दूसरी टुकड़ी का नेतृत्व उनके पुत्र अमर सिंह कर रहे थे। द्वैर का युद्ध बड़ा भीषण था। राजकुमार अमर सिंह के नेतृत्व वाली टुकड़ी ने द्वैर थाने पर हमला कर दिया। हजारों की संख्या में मुगल सैनिक तलवारों, बर्छों, भालों व कटारों से बींध दिए गए। युद्ध में राजकुमार अमर सिंह ने सुल्तान खान को परछा मारा, जो सुल्तान खान और उसके घोड़े को काटता हुआ निकल गया। महाराणा प्रताप ने बहलोल खान मुगल के सर पर वार किया तथा तलवार से उसे घोड़े समेत काट दिया। शौर्य का यह उदाहरण इतिहास में कहीं देखने को नहीं मिलता है। इसी पर यह कहावत बनी कि मेवाड़ में सवार को एक ही बार में घोड़े समेत काट दिया जाता है। यह घटनाएं मुगलों को भयभीत करने के लिए पर्याप्त थी। बचे कुचे 36,000 मुगल सैनिकों ने महाराणा के सम्मुख आत्मसमर्पण कर दिया। द्वैर के युद्ध ने मुगलों का मनोबल इस प्रकार तोड़ दिया कि उन्हें मेवाड़ के अपने सारे 36 थाने व ठिकाने छोड़कर निकल जाना पड़ा। यहाँ तक कि कुंभलगढ़ का किला तक रातों रात खाली कर मुगल भाग खड़े हुए। द्वैर का युद्ध न केवल महाराणा प्रताप अपितु मुगलों के इतिहास में भी अत्यंत निर्णायक सिद्ध हुआ। मुट्ठी भर सैनिकों ने पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर राज करने वाले मुगलों के हृदय में भय भर दिया। द्वैर के युद्ध ने मेवाड़ में अकबर की विजय पर न केवल विराम लगा दिया, बल्कि मुगलों के हृदय में ऐसे भय का संचार कर दिया कि अकबर के समय में मेवाड़ पर बड़े आक्रमण लगभग बंद हो गए। हल्दीघाटी विजय का प्रारंभ था तो द्वैर उस विजय का उत्कर्ष था। निर्णायक विजय द्वैर युद्ध भूमि में मिली।